DZ Plus के वीडियोस को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बीते दिनों बिहार के अररिया जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि कैसे एक चौकीदार को जिला कृषि पदाधिकारी सरेआम बेइज्जती कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि इस चौकीदार ने जिला कृषि पदाधिकारी को लॉकडाउन के बीच रोककर रोड पास दिखाने को कहा था। इस बात पर पदाधिकारी इतने नाराज हो गए कि उनकी नाराजगी को देखते हुए पुलिस अधिकारी ने चौकीदार को सरेआम सजा सुनाई। इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और पूरे मामले पर अररिया जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद 23 अप्रैल को अधिकारी पर क्या कार्रवाई होती है इस बारे में ADG मुख्यालय जितेंद्र कुमार बता रहे हैं। ये जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक वीडियो कुछ समय पहले प्रकाश में आया था, जिसमें एक सादे में कर्मी और एक पुलिस में हमारे चौकीदार उनके साथ अशोभनीय और मर्यादाहीन व्यवहार उनसे जो है उनको अपमानित करते हुए कर रहे थे। तो इसकी संयुक्त जांच DM और SP अररिया के द्वारा की गई। उन दोनों ने अपने संयुक्त जांच में ये पाया कि जिला कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि समन्वयक, इन दोनों के द्वारा उन चौकीदार जो हमारे चौकीदार वहाँ पर उपस्थित है उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया, उनके साथ उन्हें कर्तव्य निर्वहन में बाधा उत्पन्न की गई है और उन्हें अपमानित किया गया, साथ ही आपदा अधिनियम के तहत भी जो है उनके काम में अवरोध पैदा किया गया। तो इन आरोप में उनको ने जो है उनके विरुद्ध सत्य पाया है जो है, तो इस पर उन दोनों के विरुद्ध अररिया थाना में कांड दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। उस वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि एक पुलिस पदाधिकारी भी थे साथ में, तो ये पाया गया, उन्होंने जांच में अपना पाया कि वे पुलिस पदाधिकारी एक सरकारी सेवक के मान को बचाए रखने में जो है सफल नहीं रहे और साथ ही वर्दी की मर्यादा का भी जो है उन्होंने मान नहीं बचा पाए थे, तो इस आरोप में उनको भी निलंबित किया गया है। इससे बेसिकली मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि पहली चीज़ कि इस कानून के सामने सभी बराबर हैं और लॉकडाउन के लिए जो है उसको एनफोर्स करने के लिए बिहार पुलिस तत्पर है और पूरी दृढ़ता से उस पर संकल्पित है और उसे एनफोर्स करेगी। उसको विरोध करने में या उसके विरुद्ध में कोई भी होगा तो वो कानून के सामने बराबर ही है और उसी तरह से उस पर दंडित भी किया जाएगा। सर, FIR दर्ज हुआ है, किन किन धाराओं में FIR दर्ज हुआ है? जो FIR दर्ज हुआ है वह भारतीय दंड विधान की धारा 353, 355, 500 और 506 और उसके साथ साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत दर्ज किया। वहीं बीते दिनों गोनू तात्मा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसने खुद अपनी आपबीती लोगों को सुनाई है। हमारा ड्यूटी बिलवा पुल पर है, सुरजापुर मोड़ पर। 3 चौकीदार, 4 सिपाही हम लोग वहाँ पदस्थापित, तो एक छोटा बाबू थे गोविंद बाबू, तो हम लोग ड्यूटी के लिए वहाँ गए। जब हम ड्यूटी पे गए तो 5 मिनट पहले सिपाही सब BRB का बैठा हुआ था, वो लोग BRB का सिपाही बैठा हुआ था। उसके बाद हम लोग तीनों सिपाही तीनों चौकीदार वहाँ पहुँचे, 2 मिनट बाद ऐसे हुआ हम लोग पहुँचे हैं वहाँ। पहुँचे तो सब आदमी गोल हुए, तो हेलमेट वाला बात बगैर हेलमेट का शायद आया था वो, लेकिन हम देखे नहीं तो वापस होकर चला गया क्या क्या बोल करके। वो लोग टीम बना करके एक बार एक बजे करीब 5 आदमी लाल बेलोरों पर ऐसे कृषि पदाधिकारी कोई लिखा हुआ एका करके बरसने लगा कि कौन बोल रहा था, कौन रोक रहा था, कौन चेकिंग कर रहा था। तो हम कहते क्या बात है, बोलिए ना, बात क्या है, बोलिएगा तब ना। उसी में वो भद्दी भद्दी गाली बोलने लगा तो हम उसमें डांट बैठे हैं उसको कि गाली गुल्ला क्यों बोलते हैं, चुप रहिए। और कोई कहता कि पकड़ करके साले अभी जीप में बैठावेंगे, ले चलेंगे अभी साहब के पास, तुमको जेल करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। उसमें हाथ पैर भी हम जोड़े हैं कि ना हमारा से कोई गलती ना हुआ है और ना किसी से हुआ। कान पकड़ के उठबैठ काहे कर रहे थे, जबरदस्ती करके कान पकड़ो, ऐसे करो, वैसे करो। उसमें हमारा भी पुलिस पदाधिकारी ये भी हमको डांटना शुरू कर दिया कि जो कहता है वो सुनो। बिहार सहित देश और दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल DZ Plus को सब्सक्राइब कर ले और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।